नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है ब्लैक फंगस को लेकर के। जगह जगह सुन रहे होंगे, टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर जगह ब्लैक फंगस छाया हुआ है। ब्लैक फंगस यानी इसका जो दूसरा नाम है वो है म्यूकोमाइकोसिस। दो नाम है इसके, ब्लैक फंगस बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए म्यूकोमाइकोसिस। अभी बीमारी है क्या, कोरोना पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिल रही है? या तो आपने सुना होगा कि कोरोना का पेशेंट है, 4-5 दिन हो गए उसे कोरोना हुए, उसे ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई। या फिर आपने सुना होगा कि कोरोना तो ठीक हो गया था लेकिन ठीक होते ही उसे ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई। कारण क्या है? देखिए, ये एक इन्फेक्शन की बीमारी है। फंगस या फफूंद, इसके जो बीजाणु होते हैं हवा में नॉर्मली घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं, तो वो किसी को भी लग सकते हैं। लेकिन असर किसको कर रहे हैं? जिसकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता खत्म हो चुकी है। कोरोना पेशेंट पे क्या हो रहा है? उनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, दवाई खा खा कर बीमारी होकर उनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा किस पर अटैक कर रहा है? वो कोरोना पेशेंट पे। अदरवाइज इसके जो बीजाणु हैं वो सभी को प्रभावित कर रहे हैं बट असर नहीं कर रहे हैं। लेकिन असर किसको कर रहे हैं? जिसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, यानी कोरोना पेशेंट को। अब कोरोना पेशेंट को हटा दीजिए, इसके अलावा किसको हो सकती है? कोई शुगर पेशेंट है, उसको हो सकती है बीमारी। आपने देखा होगा शुगर वालों को भी दिक्कत कर रही है। अब किसको कर सकते हैं इसके अलावा? किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, उसकी दवाई चल रही है, उसे हो सकता है। या फिर कैंसर की दवाई किसी की चल रही है, उसे हो सकता है। जिसकी भी इम्यूनिटी, जिसकी भी क्षमता रोगों से लड़ने की खत्म हो चुकी है, उसको ये बीमारी होती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। इसीलिए कोरोना वाले पेशेंट सब जल्दी से जल्दी इसके इन्फेक्शन में आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, ये फफूंद या फिर फंगस के जो बीजाणु हैं वो अटैक करते हैं, वो आपको या तो मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से क्या करते हैं, आंखों की नसों के पास जाकर के जमा हो जाते हैं। वहां पर जो आर्टरी होती है, रेटिनल आर्टरी आंखों की, उसमें जो ब्लड सप्लाई है उसे रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आंखों की रोशनी चली जाती है। बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं ब्लैक फंगस में जिसमें आंखों की रोशनी चली गई है। ठीक है, ये लक्षण मेन होता है। उससे क्या करता है? फिर ये इन्फेक्शन आगे की तरफ को बढ़ता है, मस्तिष्क यानी दिमाग की तरफ को, ब्रेन की तरफ बढ़ता है। वहां पर बीच में पड़ने वाली जितनी भी हड्डियां हैं, त्वचा है, उनको नष्ट कर देता है, दिमाग की नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इसमें। अच्छा, बात करें लक्षण की, तो लक्षण इस प्रकार से हैं। या तो आपको सिर दर्द हो सकता है, तेज सिर दर्द हो सकता है, उसके साथ बुखार आपको हो सकता है, आंखों में रेडनेस यानी लालीपन आ सकता है, आंखों से पानी आपके जा सकता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। आंखों और गालों का सूज जाना एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। कई बार नाक पर काली पपड़ी जम जाती है। और एक मेन कारण जो है इसमें क्या हो रहा है, आपने एक चीज और सुनी होगी, एक ही चीज दो दिखाई दे रही है आपको, है तो एक ही चीज लेकिन वो आपको दो दिखाई दे रही है। और एक और कारण है इसके साथ जो मेन है, नाक में जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, उसके साथ खून भी आता है नाक से। बलगम के साथ जो नाक में म्यूकस होता है उसके साथ खून भी आता है पेशेंट के। तो ये सारे लक्षण है उसके। अच्छा, बात करें इसकी जांच कैसे की जाती है। ये तो लक्षण बता दिए बट मैं जांच कराना चाहता हूँ, मैं कैसे कराऊं? अब मान लिया मुझे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं पपड़ी जम गई है, कोई ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है म्यूकस से, तो हम क्या करते हैं? उसमें एक टिश्यू लेते हैं यानी एक ऊतक लेते हैं, एक सैंपल नमूना लेते हैं, उसे लैब में भेज दिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि क्या उसके अंदर ब्लैक फंगस के बीजाणु हैं, रोगाणु हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर वो पाए जाते हैं तो आपको पॉजिटिव बता दिया जाता है कि ब्लैक फंगस की आपको बीमारी है, अगर नहीं तो आप सेफ हैं। तो जांच करने का तरीका क्या है? आपके टिश्यू ले लिया जाएगा, एक ऊतक ले लिया जाएगा यानी उसका एक स्वैब ले लिया जाएगा, नमूना ले लिया जाएगा आपका, वो लैब में जाकर के माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है। अब कारण की बात कर ले, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन क्यों क्यों जरूरत पड़ी इसकी? आप एक चीज देखिए, कोरोना पेशेंट में हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन लगा देते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी कि अपने शरीर का तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा है, यानी हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। उससे अपना आप हम कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक हमें मशीन से ऑक्सीजन मिल रही है, तो तब आपको वो इन्फेक्शन हिट करेगा। ठीक है, ब्लैक फंगस तब आपको हिट करेगा। अच्छा, एक काम और होता है इसमें, हम स्टेरॉइड ज्यादा दे रहे हैं। स्टेरॉइड क्या होते हैं कोरोना में, यानी कि जैसे डेक्सामेथासोन टैबलेट दे दी, मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट दे दी, ये हैं स्टेरॉइड। और इनकी ज्यादा मात्रा देने की वजह से रोग प्रतिरोधकता क्षमता, शरीर की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, वो जल्दी से किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। बाहर से कोई रोग आकर हम पे हमला करेंगे, उससे बचने के लिए शरीर कुछ नहीं करेगा। इन दवाओं के सेवन से शरीर कमजोर होता चला जाता है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम होती चली जाती है। और बात करें अब इसके इलाज की, तो क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है? देखिए, अगर शुरुआती लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं या फिर जांच में आपको पता लगता है कोई प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बुखार तेज हो गया है या फिर कुछ भी ऐसा, पपड़ी जम गई है, आंखों में सूजन आ गई, जो भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, अगर आप ये शुरू में ही पकड़ लेते हैं और इलाज कराते हैं तो ये ठीक हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। एंटी फंगल टैबलेट इसमें चलाई जाती है,
डॉक्टर के पास जाइए, आप तुरंत आप उन्हें समझाइए, बताइए कि क्या रिपोर्ट में आ रहा है या फिर आपको क्या लक्षण है, रिपोर्ट भी नहीं है, क्या लक्षण है वो आप उन्हें बताइए। तो जो डॉक्टर है एंटीफंगल टैबलेट चलाएंगे लक्षण के अनुसार, और जो और दवाइयाँ जरूरी होंगी वो आपको दवाइयाँ बताएंगे और देंगे भी साथ में। तो ज़्यादा से डरने की जरूरत नहीं है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो ब्लैक फंगस को लेकर के ये मैंने वीडियो बनाई है। अगर फिर भी कोई टॉपिक मुझसे मिस हो गया हो, कुछ चीज़ रह गई हो, तो आप मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।